हे गाइस, कैसे हो सब लोग? आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। एंड गाइस, कैसे हो यार सब लोग? आप बताओ मुझे कमेंट सेक्शन में। रोज मैं आपसे पूछता हूँ लेकिन कोई जवाब नहीं देता यार मेरा इस क्वेश्चन का। वीडियो स्टार्ट करते ही मैं क्वेश्चन पूछता हूँ तो लेकिन कोई रिप्लाई नहीं आता गाइस सर। तो यही क्वेश्चन है इस वीडियो का कि आप लोग बताओ कि आप सब कैसे हो, आप सब ठीक हो और क्या। चलो अभी स्टार्ट करते हैं वीडियो गाइस। सो गाइस, अभी हम क्या करने वाले ना इस वीडियो में, जैसे आपको पता है हम लेजेंड हिट कर चुके हैं। एंड गाइस थैंक यू सो मच यार, इतने सारे कॉन्ग्रेचुलेशंस के कमेंट्स आए ना मुझे। तो हम ना इस वीडियो को थोड़ा सा इंटरेस्टिंग बनाएंगे हम लोग ना। मैं ऐसे ही करूँगा, मुझे जो भी कमेंट्स अच्छे लगेंगे ना वीडियोज़ के, तो जो टॉप कमेंटेटर्स होते हैं ना जिनके कमेंट को लाइक आते हैं, उनको उनकी कमेंट्स में पढ़ के उनको शाउट आउट दूंगा, ठीक है? तो बहुत अच्छा लगेगा। अभी जैसे कुछ फनी कमेंट करो जो भी अच्छा लगे, एंड लाइक्स अगर आपको मिलते हैं, लोगों को अच्छा लगता है तो ज़रूर आप ज़रूर टॉप पर दिखेगा। तो ऐसे कुछ कमेंट्स है इस लास्ट वीडियो के जो मैंने लेजेंड हिट किया था ना, मतलब रिकॉर्ड करते वक्त वीडियोज़। तो पहला कमेंट है उत्सव शिंदे का, कॉन्ग्रेट्स फॉर सक्सेसफुली पुशिंग इन TH7 फ्रॉम लेजेंड लीग। थैंक यू सो मच उत्सव भाई। फिर उसके बाद आते हैं जिनको 35 लाइक्स मिले, क्या बात है। एंड एवी गेमिंग जोन, फाइनली यू डन, कॉन्ग्रेट्स, थैंक्स ब्रो। एंड देन हियान शाह, कॉन्ग्रेट्स ब्रो फॉर एंटरिंग इन टू लेजेंड लीग, थैंक्स अलॉट मेरे भाई। एंड फिर उसके बाद कमेंट है यूट्यूबर रॉय, आई एम नॉट फर्स्ट, आई एम नॉट लास्ट, व्हेन नोटिफिकेशन कम आई क्लिक इट फास्ट। ओ भाई क्या मस्त राइम किया, बहुत अच्छा लगा, थैंक यू ब्रो। एंड ऐसी वीडियोस देखा करो यार आप लोग, बस एकदम चिप, मतलब स्टिक टू माय वीडियो, मतलब ये आप कभी देखना मत छोड़ो बस। ओके सो गाइस, एंड देन क्लैशिंग विद TD, आप कल रात को लेजेंड कर दिया था, मैंने आपका प्रोफाइल देखा था, थैंक यू सो मच ब्रो। एंड मतलब क्योंकि इतना आप ये करते हो ना, जब वीडियोस डालता हूँ तब तो देखते ही हो लेकिन गेम में आके भी प्रोफाइल चेक किया आपने, दिल से थैंक यू मेरे भाई। एंड गाइस यार स्टार्ट करते इसी वीडियो को, साइनअप हम लोग कर देते। एंड ये यहाँ पे साइनअप कर दिया। आई नो गाइस कि एक्चुअली अभी मैं साइनअप का जो टाइम है अभी मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ 8:05 पे ये वीडियो। ओ एक मिनट। एंड अभी ओ भाई यार 24 हमको वेट करना होगा। सो गाइस ये पूरा टाइम खत्म हो जाए तो फिर मैं आगे की वीडियो कंटिन्यू करता हूँ। एंड अटैक्स करेंगे साइनअप के बाद, मुझे पता है टाउन हॉल 13 के बेस मिलेंगे तो बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होगा, क्योंकि मैं सोच रहा हूँ कि शायद कोई ऐसा बेस मिले ना जिस पर 1 स्टार हो जाए। टाउन हॉल 7 से क्या ही होगा, आप क्या सोच सकते हो, एक्सपेक्ट क्या कर सकते हो कि वो तो नहीं कर पाएगा। तो यही पुशिंग एंड यही क्या बोल रहा हूँ, यही पे होती है ये पुशिंग 7 की और 8, 9, 10, 11, 12 की भी 5000 तक, उसके आगे मुश्किल से जा सकते हैं। एंड गाइस अटैक्स करेंगे, जैसे टाइमर खत्म होता है मैं वापस आता हूँ। स्टे ट्यून गाइस, जाना नहीं कहीं पे। गाइस यहाँ पे टाइमर यहाँ पे खत्म होने ही वाला है एंड मुझे देखना है कि मुझे कितने अटैक्स मिलेंगे, क्योंकि मैंने शाम के टाइम पे यहाँ पे साइनअप क्लिक किया एंड फाइंडिंग अपोनेंट्स, ओ भाई 5 ही अटैक्स मिले एंड शायद 5 ही मिलते टाउन हॉल 7 को। सो गाइस अभी चलो यहाँ पे फाइंड अ मैच करके देखते हैं कि कौन सा यहाँ पे बेस मिलेगा। उससे पहले गाइस बस एक काम करता हूँ, बस एक स्क्रीनशॉट ले लेता हूँ फॉर थंबनेल, आपको पता ही है। सो लेट्स गो, यहाँ पे अपनी आर्मी पूरी ट्रेन है एंड सीसी में भी बलून्स है। एंड यहाँ पे कौन सा बेस मिलेगा, चेकआउट करते हैं टाउन हॉल 30। ओ भाई 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 गाइस यहाँ पे ये बेस देख लो यार, क्या मैच मेकिंग, आपको पता ही अभी तो पूरा वाट लग चुका है। टाउन हॉल 13 ही आएंगे एंड मुश्किल से 12, 10, 11 तो मिलते हैं, कभी मिल सकते हैं। एंड गाइस टाउन हॉल यहाँ पे कॉर्नर पे एंड बहुत अच्छी बात है गाइस कि यहाँ पे ये देखो एक्सबोस ग्राउंड पे। सो गाइस कैन वी डू इट, क्या हम कर सकते हैं इस बेस पे, क्या लगता है यार? ये टेस्ला डार्स होंगे इसके पास बहुत सारे, तो फिर मुझे बहुत बहुत ज़्यादा मुश्किल लग रहा है। ओके यहाँ पे किंग डालता हूँ। अरे अरे किंग मर गया भाई, 1% नहीं निकाल पाया, क्या ही करेगा किंग। बस आप यहाँ से हम ट्राई करते कि एक फनल के हिसाब से हम सारे ड्रैगन्स अगर डाल देना टाउन हॉल के पास कैसे जाएंगे, नहीं जा पाएंगे यार, बहुत मुश्किल है। तो चलो ये ठीक है, यहाँ पे हम आर्चर्स से पहले ये एटलीस्ट क्लियर करते हैं आर्मी कैंप्स एंड देन ड्रैगन्स के लिए। नहीं यार टाउन हॉल के पास बहुत मुश्किल है गाइस, क्योंकि ये 4 टेस्ला है प्लस उसके साथ यहाँ पे एयर माइंस भी होंगे। सो लेकिन मैं ट्राई तो पूरा 100% करने वाला हूँ। ओके सो गाइस यहाँ पे पहले रेज स्पेल डालना होगा, मतलब यहाँ पे ये गए यहाँ पे एक रेज बलून्स, क्योंकि यहाँ पे एयर माइंस टारगेट होंगे एंड देन यहाँ से कुछ ड्रैगन्स, यहाँ पे एक और रेज एंड यहाँ से दोनों बाकी के ड्रैगन्स, यहाँ पे टाउन हॉल के पास एक रेज स्पेल। ओ भाई 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 गीगा टेस्ला एंड ओ भाई कसम से टाउन हॉल ब्रेक हो गया एंड फर्स्ट ही अटैक ऐसा हो गया तो बहुत अच्छा हो गया गाइस यहाँ पे। एंड 1 स्टार हमें मिल चुका है लेकिन ट्रॉफी उतनी नहीं मिलेगी, क्योंकि आपको पता है ये डैमेज परसेंटेज पे ट्रॉफीज़ मिलती है। एंड एक्चुअली ओ शिट, यहाँ पे हम कर सकते थे यार मिनियन से पहले, क्योंकि यहाँ पे आर्चर टावर थे ही नहीं, लेकिन अभी ईगल एक्टिवेट हो चुका है सो हम क्या कर सकते हैं।
नहीं हो पाएगा लगता है अभी, छोड़ो यार, एक 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 दो परसेंट से क्या लेंगे हम, तो हम एंड कर देंगे बिकॉज वी आर नॉट पुशिंग राइट नाउ। यही था, यहीं पे ख़त्म होती है बात। एंड सिक्स ट्रॉफीज गाइस, एक स्टार हो जगह फाइनली, जो सोचा था वो हम कर दिए। एंड गाइस अब बढ़ते हैं सेकंड अटैक की तरफ, तो यहाँ पे चलो आर्मी पूरी ट्रेन है एंड लेट्स गो। अब वापस से एक्साइटेड हूँ। ओ भाई, टाउन हॉल 11 का बेस, क्या बात है गाइस, मैंने बोला नहीं मिलता है लेकिन यहाँ पे मिल चुका है 11 का बेस। ओके सो गाइस, यहाँ पे अब इस बेस पे हम टाउन हॉल के लिए नहीं जा पाएंगे क्योंकि वहाँ पे ये देखो ये भी है, एयर स्वीपर है एंड अभी तो एकदम परफेक्ट बैटल होने वाला है। अब तो बारी आती है स्किल्स की, सो अभी मैं ट्राई करता हूँ अपने स्किल्स की मैं क्या कर सकता हूँ इस बेस पर। एंड पहले तो क्लीनअप्स के लिए मुझे डालना होगा, लेकिन यार शिट, इसने आर्चर टावर्स प्रॉपर सेट किए इसके, सो होप करता हूँ यार कि बस कुछ भी करके हो जाए 50%। एंड 50% अगर हो गया ना, देन एक्स्ट्रा हो गया सो हमें शायद ज़्यादा ट्रॉफीज मिल सकती है। होपिंग फॉर द बेस्ट गाइस, बस ट्राई कर रहा हूँ अपनी तरफ से, हो गया तो और क्या चाहिए। परसेंटेज तो आ रहा है लेकिन मुझे कन्फ्यूज हूँ कि कौन सा यहाँ पे एयर डिफेंस निकालूँ, कौन सी एयर डिफेंस वाली ले लेता हूँ। यार यहाँ पे बहुत सारे, मतलब स्पेस वहाँ पे बहुत सारी है। एंड यहाँ पे किंग के साथ कुछ हो सकता है क्या? ओके सो गाइस, नॉट श्योर यार, नॉट श्योर, सीरियसली नॉट श्योर। एंड यहाँ पे एक ड्रैगन के साथ एक किंग डाल देता हूँ। एंड नहीं यार, किंग डालूँगा तो वो भी किंग आएगा। एंड यहाँ पे एक, एंड यहाँ पे एक, देन उसके बाद बलून्स डालने हैं मुझे गाइस यहाँ पे। फिर बस प्रॉपर रेड स्पेल का यूज़ करना है यार, वरना मुश्किल हो जाएगा। थोड़ा सा और आगे आ जान दो, या फिर डाल दूँ क्या अभी? अब डालना पड़ेगा। ये गई यहाँ पे रेड स्पेल प्लस ड्रैगन, एंड देन यहाँ पे किंग डाल देता हूँ प्लस उसके साथ एक और ड्रैगन। चलो यहाँ पे ये डिफेंस निकल गई है। एंड गाइस यहाँ पे बढ़ रहे हैं हम धीरे धीरे अटैक में, अच्छी तरीके से बढ़ रहे हैं। ओके बलून से यहाँ पे आचा टावर एक और निकाल देगी। ओ निकालो निकालो, चलो ओके, यहाँ पे एबिलिटी एंड बस एक मिनट बचा है। सो गाइस अब क्या होगा। यहाँ पे एक और ड्रैगन डाल दिया एंड फिर अभी यहाँ पे एक दो ड्रैगन के साथ यहाँ पे एक, एंड देन यहाँ पे लास्ट वाला। ओ भाई यहाँ पे टारगेट ये हो गया, ट्रिगर हो गया, ईगल आर्टिलरी एक्टिवेट हो चुकी है। सो गाइस 32%। एंड देन हम कुछ कर सकते हैं क्या आगे? नहीं कर पाएंगे यार, ये नहीं, ये ज़िंदा रहने नहीं देगा यहाँ पे। चलो दोनों डालते ड्रैगन्स एंड देन उसके साथ रेज स्पेल प्लस यहाँ पे बाकी के आर्चर्स एंड 36%। सो गाइस ये वाला तो नहीं हो पाएगा, अगर टाउन हॉल 10 का मिलता ना तो सीरियसली मैं कर देता, कंफर्म इस पे एक स्टार कर देता, लेकिन नहीं हो पाएगा। कितना होता है देखते, फिर उसके बाद ट्रॉफीज मिल जाएगी ना हमें उस हिसाब से। 42%, अच्छा हुआ टाउन हॉल 13 नहीं मिला, तो आपको पता ही है अभी एक स्टार हम करते तो ट्रॉफीज कम मिलती है लेकिन डैमेज पे ही पूरा मिलता है। सो यहाँ पे हो चुका 43%। एंड अभी ख़त्म हो गया टाइम, यहाँ पे वापस 4 मिली यार, अब तो बहुत ही कम मिली। अच्छा उसमें तो 6 मिली थी सेकंड अटैक में, सॉरी फर्स्ट में। गाइस अब बढ़ते थर्ड अटैक की तरफ। एंड यार गाइस लाइक वाइक कर देना यार आप लोग अगर आपको अटैक्स अच्छे लगते हैं। सो अब कौन सा बेस? ओ भाई भाई भाई, वापस से टाउन हॉल कॉर्नर, क्या बात है। एंड ओ अब तो स्कैटर शॉट से मुकाबला होगा एंड फिर उसके बाद सीसी भी है उसके पास में, तो इस बार तो मैं ऐसा लग रहा है कि नहीं कर पाऊँगा, लेकिन फिर भी यार अब मतलब ट्राई करेंगे, ट्राई कोशिश करता है उसी की तो क्या होती है, पता है ना आपको, मतलब उसी की जीत होती है ऐसा आपको बताइए। सो गाइस यहाँ पे पहले मिनियन से मैं ट्राई कर रहा हूँ कि जितना हो सके ना उतना मैं क्लियर कर लूँ पहले, क्लीन अप्स एंड ऑल, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है गाइस ऐसे अटैक्स में ना, आपको एक एक बारीकी से चीज़ें देखनी पड़ती है, जैसे कि आप बहुत बड़ा काम कर रहे हो। एंड अभी ये स्कैटर शॉट का क्या करूँ भाई, क्या कर सकते हैं हम स्कैटर शॉट्स के। ओके एक काम कर सकता हूँ गाइस, मैं सीसी को ना मैं गुमराह कर सकता हूँ, मतलब यहाँ वहाँ भगा सकता हूँ सीसी को। ओके तो अभी क्या करें, यहाँ पे सीसी को निकाल देता हूँ क्योंकि मैटर नहीं करेंगे, डैमेज परसेंट एक स्टार करवाना है। ये देखो अभी दो ड्रैगन आया तो ये मेरे ट्रूप्स को तो खा ही जाएंगे, सारे ड्रैगन्स को खा लेंगे। सो बेटर होगा कि मैं इनको इधर उधर भटकाऊँ। ओके जैसे कि यहाँ पे ये देखो आर्चर है यहाँ पे, तो उनके पास चले जाएंगे ना। एंड देन अब हम काम करेंगे, जैसे ऊपर ड्रैगन तो बहुत स्लो है एकदम से, क्या ही बोलूँ, कसम से बहुत ही ज़्यादा स्लो होते हैं। अभी यहाँ पे ऊपर डाल दिया, अब कहाँ पर आएंगे? ओके गाइस ओके, बहुत अच्छा हुआ कि ऊपर चले गए। एंड देन हमें अभी फटाफट से यहाँ पे ट्रूप्स डाल देने होंगे। ओके चलो ठीक है, अब सही है, यहाँ पे किंग भी डाल दिया एंड अब एबिलिटी यूज़ कर लेते हैं। एंड यहाँ पे बलून्स,
बलून्स के साथ यहाँ पे पहले रेज डालनी होगी। ओ शिट, ड्रैगन आ गए, मेरा मतलब वो आ गए ड्रैगन्स। भाई मारो 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 मारो, कुछ भी करके ये निकाल दो। मेरे को पहले बलून्स डालने चाहिए थे, लेकिन 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 मैंने ड्रैगन डाल दिए। सुगा इसी वाला अटैक नहीं होगा, हम फेल हो चुके हैं इस अटैक पे। मैंने घाई घाई में ऐसा हो चुका, क्योंकि ये पीछे पड़े थे ना यार, नीले गेंडे के छोटे भाई, एंड दोनों भी लाल वाले गेंडे। सुगा इसे यहाँ पे 2 ही ट्रॉफीज़ मिली यहाँ पे इस अटैक में, 20% एंड हम नेक्स्ट अटैक, दोनों ही अटैक्स बचे तो वो भी मैं कर देता हूँ। अब गाइस बारी आती है सेकेंड लास्ट अटैक की, एंड इस बार यार कोई अच्छा बेस दे दो यार, एकदम टाउन हॉल साइड में। ओ माई गॉड, इस पे तो ख़त्म खेल, 1 मिनट ले। लेकिन यहाँ पे ब्लैक होल हो भाई साहब, ब्लैक होल दिख गया गाइस यहाँ पे मुझे। लेकिन क्या हम यहाँ से कर सकते हैं क्या? ये देखो यहाँ पे एकदम छोटा सा नन्ना सा यहाँ पे होल बना हुआ है, आपने भी शायद देखा होगा, मैंने पहले नहीं एकदम से ये देख किया। सो गाइस यहाँ पे इस बार तो थोड़ा ना एकदम इंटरेस्टिंग होगा कि ये इन्फर्नो, अगर काश कि ये, सॉरी इन्फर्नो बोल रहा हूँ, ये स्वीपर ना अगर टाउन हॉल के पास भेज देना मेरे ड्रैगन्स को, लेकिन वो पता नहीं कहाँ भेजेगा। सो गाइस अब तो बहुत ही ज़्यादा ये हो गया, मैं एकदम से हड़बड़ा जा रहा हूँ, ऐसा मेरे को फील हो रहा है अब। लेकिन गाइस क्या करना होगा, सीसी, हाँ यार सीसी को कहाँ ले जाऊँ इस बार, कहाँ उनको लेके जाऊँ। इस बार भी उल्लू बनाएंगे हम सीसी को, यहाँ पे एक स्पेस है। सो अभी हम काम करेंगे गाइस, यहाँ पे मैं सीसी के लिए निकालने के लिए डाल देता हूँ। ओके चलो बलून्स है, बलून्स जाओ वहाँ पे आर्चर के पास जाओ ना यार, हाँ जाओ, ये तुम्हारे लिए रची हुई चाल है, समझ रहे हो गाइस। ओके सो अभी जैसे वहाँ पे बढ़ेंगे ना, देन मैं यहाँ पे डाल दूंगा बलून, पहले रेज फिर किंग एंड ऑल सब कुछ डाल दूंगा भाई एक साथ, जो होगा ना एकदम फिर तो एकदम तबाही मचेगी, ऐसा ऐसा ऐसी तबाही होगी ना पता ही नहीं चलेगा। सारे रेज पे लाजू बाजू में, एंड यहाँ से पहले किंग बलून्स यहाँ पे ये गए, फिर ये सारे के सारे ड्रैगन्स टाउन हॉल, प्लीज टाउन हॉल निकालो। लेकिन क्वीन के पास गए, अरे पागल ड्रैगन्स क्या कर रहे हो यार, तुमको दिमाग नहीं है क्या यार, कुछ 100-200 से ले लेते यार, लेकिन करवा देते एक स्टार तो क्या हो जाता। सो गाइस ये वाला भी अटैक हम ऐसे ही ये कर दिए, लेकिन बेस ही नहीं मिलता तो क्या करे यार, बेस ही नहीं मिलता ना वैसा। एंड क्या हो रहा है अभी, ये क्यों मार रहे, चलो ठीक है। सो गाइस इस पे 6% क्या, 6% पे कुछ मिलेगा, 0 ट्रॉफी। तो ये अटैक पूरा का पूरा एकदम से ख़त्म कर दिया, एंड लास्ट अटैक बचा है गाइस, क्या हम और थोड़ी ट्रॉफीज़ ऐड कर पाएंगे। सो लेट्स सी क्या होता है लास्ट अटैक में। ओ, अभी वापस से टाउन हॉल 13 यार, लास्ट अटैक था गाइस यार, शिट लास्ट अटैक भी हमको टाउन हॉल 13 का बेस दे दिए, क्या कर रहे हो सुपर सेल, थोड़ा तो रहम कर देते। एंड अब क्या करें, सो ठीक है गाइस ये लास्ट अटैक होने वाला है, एंड दिस इज गोना बी अ फेल अगेन आई थिंक सो। सो यहाँ पे गाइस अब इस बार ना हम थोड़ा डैमेज परसेंट के लिए जाएंगे टाउन हॉल के लिए, तो मैं बिल्कुल भी वहाँ पर झाग भी नहीं सकता ऊपर की साइड से, क्योंकि वहाँ पे इतने सारे हीरोज रखे उसने, प्लस सीसी आएगी, तो हम काम कर रहे हैं सीसी को इस बार ना छुएंगे ही नहीं, तो जितना भी हो जाए ना 2-3 ट्रॉफी मिले उसमें हमको खुश रहना होगा। सो गाइस यार आप लोग लाइक सब्सक्राइब कर देना यार, मैंने कुछ कहा नहीं मतलब बोला नहीं आपको। एंड इसके बाद गाइस क्या करेंगे ना, इस अकाउंट को अपग्रेड करूँगा। ओ भाई टेस्ला तुम ही बचे थे अब, तुम्हारे ही आने की कमी थी, एक साइड इसने टेस्ला यहाँ पे रखे, एंड ऊपर के साइड से 3 होंगे। तो गाइस अब क्या करेंगे, 4% हो चुका है यहाँ पे, चलो एक और मिनियन एंड देन यहाँ पे कुछ हो जाएगा क्या, और नहीं होगा कुछ, तो एक और यहाँ पे आर्चर, एंड अब बारी आती है ड्रैगन्स की। सो गाइस अब मैं यहाँ पे ना एक काम करता हूँ, ये लेफ्ट से बलून्स डालता हूँ ताकि उन पे रेड स्पेल यूज़ करके थोड़ा बहुत और क्लीन और ये मिल जाए परसेंटेज। एंड यहाँ पे ऊपर के साइड से मैं डाल देता हूँ ड्रैगन, एक ड्रैगन, एंड देन यहाँ से भी एक ड्रैगन, चलो यहाँ पे डालते हैं, एंड प्लस उसके साथ किंग, क्योंकि यहीं पे मैं रेड स्पेल डालने वाला हूँ। ये देखो यहाँ पे हो गया, आगे चले गए, ये गया यहाँ पे रेड स्पेल, ताकि थोड़ा तो यार कुछ कर लेंगे अपने जो बलून्स है। ये देखो एक टारगेट कर लिया उन्होंने, इसको भी, एयरमाइन को भी। सो गाइस अब यहाँ पे ना 21%, ओ माय गॉड 40% कर सकते हैं क्या हम, कैन वी डू इट गाइस फॉर 40%। यहाँ पे 2 ड्रैगन्स के साथ यहाँ पे एक और रेड स्पेल, ईगल आर्टिलरी एक्टिवेट होती है या नहीं यार, इतने ट्रूप्स डिप्लॉय करने के बाद पता नहीं होती या नहीं, देखते इस अटैक में। एंड गाइस अब यहाँ पे ना, यहाँ पे ये लास्ट रेड स्पेल बची है, सो गाइस यहाँ पे ईगल एक्टिवेट हो चुकी है, एंड इस बार तो यार कुछ ट्रॉफीज मिल ही जाएगी यार, कसम से अच्छा लगेगा इस बार तो मतलब 5-0, 3-0 से आगे हम बढ़ जाएंगे इस अटैक के बाद। ये देखो 32% हो चुका, एंड देन 33 भी हो जाएगा,
चलो यहाँ पे लास्ट 33 एंड अब तो नहीं होगा, अब इस बार ख़त्म, अब ड्रैगन्स मर गए। सो गाइस यही था अपने अटैक्स, ये एक और परसेंटेज मिनियन ने निकाल दिया, कैनन को इतना मार दिया उसने कैनन को। सो गाइस अब देखते हैं, 1 2 3 ओके 3 मिल चुकी एंड गाइस 5033 इज़ आर लास्ट ट्रॉफी काउंट गाइस एंड यही थी अपनी पुशिंग, यहाँ तक ख़त्म हो जाती है, इसके बाद हम नहीं करेंगे TH7 से, अब तो डिफेंसेस हो जाएंगे तो वो तो एकदम 3 स्टार पे 3 स्टार ठोक देंगे। सो गाइस यही थे अटैक्स, आई होप कि यार आपको अच्छे लगते, ज़रूर आप लाइक कर दो, और इस वीडियो का लाइक एम बड़ा रखते, 4000 लाइक्स का एम है, प्लीज़ कंप्लीट करवा दो एंड सब्सक्राइब भी ज़रूर कर दो अगर आप यहाँ तक देख रहे हो तो, एंड बेल आइकन दबाओ, और भी इंटरेस्टिंग वीडियोज़ लाऊंगा गाइस एंड इसे अपग्रेड भी करेंगे, एंड फिर उसके बाद क्या, बेल आइकन दबा के ऑल का ऑप्शन आएगा उस पर भी प्रेस कर देना। थैंक यू सो मच गाइस।